हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका ट्रेलिंग विथ मीनाक्षी में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं 1 ईयर बेबी के लिए बाबा सूट कटिंग और निक्कर की आपको हम कटिंग बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ हमें लाइक कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और कटिंग हम आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको मसेरमेंट दिखा देते हैं। मसेरमेंट देख लीजिए, लेंथ 14 इंच है, शोल्डर 9 इंच, चेस्ट 22 इंच है, बॉटम भी 22 है, आर्म होल 13.5। इसमें बैक नेक नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का कटिंग होगा। और फ्रंट नेक है 3 इंच। और निक्कर की लेंथ 10 इंच है, वेस्ट 24 है, थाई 16। पर एक बात और बता देना चाहते हैं हम, जब पेपर पर हम कटिंग करेंगे तो 1-2 इंच इसमें माइनस या प्लस हो सकता है, तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा। मेरा मकसद है कि हम आपको सिर्फ कटिंग बताएं कि इसकी कटिंग कैसे होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ड्राइंग करके कलर किए हैं, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार और फिर हम आपको मसेरमेंट दिखा देते हैं। तो चलिए अब हम पेपर पे कटिंग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बॉटम का निशान लेंथ लेंगे। इस पूरे पेपर की लेंथ है 26 इंच, आप देख रहे हैं सब। तो इसमें से हमें निक्कर का भी पेपर कटिंग करना है, तो इसमें सबसे पहले हम बाबा सूट की 14 इंची लेंथ लेंगे और उसके बाद हम उसकी बॉटम का निशान लगाएंगे। आप चाहें तो बॉटम में यहाँ गोल्ड राउंड भी दे सकते हैं, पर हम इसमें गोल्ड राउंड शेप नहीं दे रहे हैं। अब हम आते हैं शोल्डर। शोल्डर है 5 इंच शोल्डर ले रहे हैं हम इसमें, और आर्म होल शेप के लिए भी हम 5 इंच ले रहे हैं इसमें। और यहाँ पर चेस्ट था, सॉरी 22 इंच था ना, नहीं एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना था मेजरमेंट में 24, हाँ 22 इंच था, तो हमने 5.5 इंच पे लेकर निशान लगा लिया है। और थोड़ी सी हल्की राउंड शेप जाएगी वेस्ट के पास। और अब हम गले के लिए 2 इंच लेंगे, और शोल्डर भी हमारा सिलने के बाद 2 इंच आएगा, लेकिन अभी तो कटिंग करें तो 3 इंच रहेगा शोल्डर। और उसके बाद फ्रंट नेक हम 3 इंच लेंगे। अब हम गोल शेप इसमें दे देंगे बॉक्स बनाकर। और अब हम आर्म होल शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच। अब हम इसमें आर्म होल शेप देंगे। उसके लिए मैंने इसमें छोटे बच्चे का कपड़ा इसलिए 1/2 इंच ले रहे हैं। तो अब हम राउंड शेप दे देंगे, तो ये देखिए हो गया आर्म होल शेप। अब हम पेपर की कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल भी नाप के देख लीजिए फ्रेंड्स, देख लेंगे कितना था, 13.5 था, तो हमारा 6.5 इंच आ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन देना भूल गए थे पेपर कटिंग में। लेंथ में तो हम मार्जिन नहीं दिए हैं, लेकिन फैब्रिक में हम मार्जिन ज़रूर देंगे, क्योंकि नीचे से 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और ऊपर से शोल्डर भी 1/2 इंच, तो उसके अनुसार हम लोग जब पेपर पे कटिंग करेंगे तब इसमें हम सीम अलाउंस के लिए भी रख लेंगे कपड़ा एक्स्ट्रा।
तो पहले हम पेपर से सीधा काट के निकाल दिए, अब हम गले की कटाई कर रहे हैं। अब हम इसमें फ्रंट के लिए आर्म होल शेप के लिए देंगे। अब इसी पेपर में ही बैक और फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो अब हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करके हम फ्रंट का कटिंग इसमें कर लेते हैं आर्म होल। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इसमें बहुत ऐसा होता है शोल्डर पास से बाबा सूट में बांधने के लिए बनाते हैं, लेकिन हम इसमें टी शर्ट की तरह हल्की शेप दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट का इसमें फर्क दिख रहा है। तो चलिए अब हम लिख के भी बता देते हैं, ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक, ताकि कटिंग करने में थोड़ा परेशानी ना हो। और ये है बेबी बाबा सूट जो बोलते हैं हम लोग, और ये 1 ईयर बेबी के लिए है। तो चलिए अब हम निक्कर की कटिंग करते हैं। तो जैसा कि लेंथ आप इसमें देख रहे हैं 10 इंच है, और वेस्ट है 24 इंच, और थाई है 16। तो इसमें लेंथ हम लेते हैं, इसमें हमारा लेंथ कितना आ रहा है, 8 इंच ही आ रहा है, और कमर तो पूरा ले लेते हैं हम लोग, वेस्ट का 6 इंच, तो 6 का 4 करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 24 इंच, और यहाँ 4 इंच ले रहे हैं थाई के लिए हम, यानी कि 16 का 1 भाग हमारा 4 इंच आएगा। और अब हम लेते हैं 6 इंच पर क्रॉच एरिया बनाने का जो शेप देंगे हम लोग आसन बोलते हैं उसका, और यहाँ से हम हल्की राउंड शेप में देंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग राउंड शेप दे रहे हैं। ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा हम हाफ इंच पे थोड़ी तिरछी शेप देंगे, जैसे कि हमारे सलवार वगैरह में या फिर पैंट की कटिंग में होती है ना, उस टाइप की थोड़ी सी हल्की शेप देंगे, ज़्यादा नहीं हल्की शेप देंगे। फ्रेंड्स, जो हम निक्कर की कटिंग कर रहे हैं इसमें हम मार्जिंग नहीं लिए हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि जब आप फैब्रिक कटिंग करेंगे तो उसमें आप मार्जिंग रखेंगे, जैसे नीचे से 1 इंच, ऊपर में भी 1 इंच। इलास्टिक लगाएंगे तो उसके लिए हम बोलेंगे यहाँ 4 इंच है, यहाँ 5.5 इंच आ रहा है। तो आप जब 6 इंच में जब आप कटिंग करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे कि हमें इसमें मार्जिंग भी रखना है, तब आप कटिंग कीजिएगा। तो चलिए अब इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम लोग, आप सबको पता है, पूरा देश जानता है हमारा। तो अभी मेरे पास फैब्रिक नहीं है जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं फैब्रिक पे कटिंग। तो आप देख सकते हैं ये निक्कर की कटिंग और ये ऊपर बाबा सूट। अभी गर्मी का मौसम है, बच्चे ऐसे कपड़े में काफ़ी कम्फर्टेबल फील करते हैं। तो अगर आपके पास घर में बचे हुए कपड़े हैं तो आप इस तरह का अपने घर में बेबी या फिर वो बेटा हो या बेटी, आप उसके अनुसार आप कटिंग कर सकते हैं। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, चलिए थैंक यू, बाय।